हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ चॉकलेट एवलांच, जो बना है थिक ब्राउनी चॉकलेट से और उसके ऊपर डली है ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप डार्क चॉकलेट और 1/4 कप क्रीम। यहाँ पे आप अमूल फ्रेश क्रीम या फिर विप क्रीम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए, फ्रिज में जमी हुई या ठंडी नहीं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। जो लोग माइक्रोवेव रखते हैं वो लोग इस क्रीम को 30 सेकेंड और 1 मिनट के लिए आप माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिए, और जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है वो उनको मैं दिखाती हूँ कि डबल बॉयलर में कैसे मेल्ट करना है। तो यहाँ चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हमें एक बर्तन चाहिए छोटा, जिसके ऊपर हम ये दूसरा बड़ा बर्तन रख सकें। जिसमें आप गनाश बनाएंगे वो बर्तन सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। तो उसमें मैं डालूंगी हमारी ये क्रीम। आप पहले चॉकलेट भी मेल्ट कर सकते हैं, पर अगर गलती से क्रीम थोड़ी सी भी ठंडी हुई तो चॉकलेट में डालने के बाद उसमें लम्स आ जाएंगे, तो इसलिए हम पहले क्रीम मेल्ट करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसके बाद हम इसमें चॉकलेट मिलाएंगे। पानी के भाप से यहाँ 2 मिनट में हमारी जो क्रीम है वो गर्म हो चुकी है। यहाँ मैं इंडक्शन करूँगी ऑफ और इस पर हम मिलाएंगे चॉकलेट। इसको अच्छे से क्रीम में डुबो दें। और इसको थोड़ी देर चलाएं ना, कुछ सेकंड के लिए इसको हम ढक के छोड़ देते हैं। यहाँ हमें इसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट या 40 सेकंड के लिए ढक के छोड़ना है, क्योंकि अगर हम इसे गर्म में अभी मेल्ट करने लगेंगे चॉकलेट को तो हमारी जो क्रीम है वो चम्मच घुमाने की वजह से ठंडी हो सकती है। 30 से 40 सेकंड बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी क्रीम और चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारी जो चॉकलेट गनाश है ये बनके तैयार है। अच्छे से आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है। ना इसमें कुछ घी या बटर डाला है और ना ही इसमें कोई ग्लेज डाला है, बस क्रीम और चॉकलेट का जो कॉम्बिनेशन है और मेल्ट करने का तरीका है ये सही होना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक प्लेट में हम करेंगे प्लेटिंग ब्राउनी की। ये आप देख सकते हैं ये ब्राउनी कितनी चॉकलेटी है। तो यहाँ पर हमको चॉकलेट एवलांच बनाने के लिए ठीक चॉकलेट ब्राउनी चाहिए। चॉकलेट का जो स्पंज बनाएंगे हम केक वाला, उससे वो उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए कोशिश करें कि हमेशा ब्राउनी बनाएं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने ये ब्राउनी पहले से बनाई है, पर इस वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन है उसमें मैं आपको ब्राउनी ये कैसे बनानी है उसका लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख के ये ब्राउनी बना सकते हैं। तो चलिए इसको आगे स्टार्ट करते हैं। जो हमने बनाया है गनाश, गरम गरम गनाश हमको इस ब्राउनी के ऊपर डाल देना है। अच्छे से इसको हर तरफ फैला लें ताकि जो ब्राउनी हमारी वो पूरी तरीके से गनाश में अच्छे से डिप हो जाए। नेक्स्ट इसके ऊपर जो गरम गनाश है उसके ऊपर हम डालेंगे ठंडी ठंडी आइसक्रीम। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से चॉको चिप्स। ये फुल चॉकलेट से ओवरलोड होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि ब्राउनी इतनी अच्छी अंदर से चुई सॉफ्ट होती है, ऊपर से ठंडी ठंडी आइसक्रीम। साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गोल्डन चॉको चिप्स है उससे मैं इसको डेकोरेट करूँगी। और ये चॉको रोल जो मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है, 5 रुपए का ये आता है, ये इस तरीके से ये चॉको रोल का रैपर है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ट्राई करना ना भूलें। और इस लास्ट के एंड में आइसक्रीम के ऊपर हम थोड़ा सा चॉकलेट गनाश इस तरीके से डालेंगे और हमारी ये चॉकलेट एवलांच रेसिपी बनके तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।